गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दीज लिपस्टिक्स जो कि हैं पर्पल ब्रांड से और जिनकी जो खासियत है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत अच्छी है, जिसमें से एक मैंने अप्लाई की हुई है और इसकी खासियत है कि ये हैं पर्पल मैट लिपस्टिक्स विद प्राइमर, तो जिस वजह से बहुत ही ज्यादा रॉयल लुक्स आ जाते हैं इसके। आप देख सकते हो एकदम फेस्टिवल काइंड ऑफ लिपस्टिक्स हैं। कुछ यहाँ पे पर्पल लिखा हुआ है और ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च है और काफी ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसके अंदर। आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो, दूसरे भी शेड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे बालों को क्या हो रहा है, तो इस तरह से है और ना ये देखिए ऐसे है कुछ। आप थोड़ा सा ही बंद करोगे ना तो प्रॉपर बंद हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक काइंड ऑफ इसका लॉक है। यहाँ पे बुलेट लिपस्टिक है और मेरे पास इसके हैं 5 शेड्स आई हैव राइट नाउ, तो मैं आपको सबके सब दिखा देती हूँ। तो ये एक तो मैंने लगाया हुआ है, यू कैन सी इट्स फिनिश, बहुत ही प्यारी सी फिनिश है जो कि फेस्टिवल्स में काफी अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ कलर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है और इसका हैंड स्वेच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर कलर है, फेस्टिवल्स में ऐसे कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और इस शेड का नाम तो बताना बनता है। तो इस शेड का नाम है कुछ वन सेकेंड या यहाँ पे इसका इस तरह से आउटर पैकेजिंग है और ये इनर पैकेजिंग है। ये ऐसा बुलेट लिपस्टिक है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी फॉर पर्पल, और यहाँ पे शेड नंबर वगैरह दिया हुआ है। शेड नंबर है, इसका नाम पूरा बता देती हूँ पहले, पर्पल शेड्स ऑफ लव प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक यहाँ पे मेंशन्ड है और ये है मूवी डेट 11 नंबर। इस शेड का नाम है मूवी डेट 11, तो काफी सुंदर शेड है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे शेड के ऊपर, तो मैं आपको दिखा दूं ये वाला कौन सा शेड है। दिस इज वाइन डेट सेवन शिमरी सा लग रहा है। तो इस तरह से आपको इतना प्रोडक्ट मिल जाता है, देखिए काफी प्रोडक्ट मिल जाता है आपको और कलर्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और भी कलर्स अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये भी लगाने के बाद काफी सुंदर लगता है, जो कि मैं अभी आपको लगा के दिखाने वाली हूँ। तो आप पहले हैंड स्वेच देख लीजिए, तो इस तरह से कुछ शाइनी शिमरी सा ये कलर है, थोड़ा सा शिमरी है और बड़ा सुंदर लग रहा है। और मैं आपको बताऊं तो ये इसके फिनिश की अगर आपसे बात करूं ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं, ये बिल्कुल मैट तो नहीं होता है, ये बड़ा ही कंफर्टेबल टाइप मैट है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नाम से भी पता चल रहा है प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, तो कंफर्टेबल वाला मैट है ये, बिल्कुल मैट नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है या ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग जरूर है, काफी टाइम तक आपके होंठों पर टिका रहता है। ये मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफर होता है, लेकिन हाँ स्टिल आप देख सकते हो कितना प्रोडक्ट है यहाँ पे और ये बिल्कुल भी नहीं निकला है, थोड़ा सा टचअप की जरूरत है, बाकी निकलेगा नहीं प्रोडक्ट, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन इस तरह की फिनिश वाली जो लिपस्टिक्स होती हैं वो भी फेस्टिवल वगैरह में बहुत 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 अच्छी लगती है। लेट्स सी अनदर कलर ऑफ इट, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है। तो इसके बाद में है ये वाला शेड जो कि है बीकेशन 8, BECATION 8, ये कुछ नाम है और आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, वहां कोई ना कोई ऑफर तो बढ़िया वाला आपको मिल जाएगा। तो अगर इसकी एमआरपी की बात करूं मैं, तो कितने का है ये लिपस्टिक, यहां पे लिखा है 399 रुपीज, लेकिन हाँ ये आपको 100% ऑफर में ही मिलेगा और वो भी काफी अच्छे ऑफर में मिल जाएगा। जो भी कोई ऑफर अगर मुझे पता होगा मैं यहां पे मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा, वहां पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर मिलेगा और काफी ज्यादा रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। तो यहां पे वाला शेड नंबर है, शेड नंबर नाम मैंने आपको बता दिया, बीकेशन 8। अगेन ये पर्पल टाइप ऑफ शेड है इस तरह से, और ये हैंड स्वेच दिखाती हूँ आपको, तो ये इसी का डार्कर शेड है जो मैंने पहले आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है फॉर श्योर, मैं भी आपको लिप स्वेचेस भी दिखा देती हूँ। और इसके बाद बात करते हैं शेड नंबर दूसरा जो एक है, उसका नाम है ट्विलाइट 10, यानी कि 10 नंबर है, और इसको भी देख लेते हैं। वाओ इट्स प्रिटी शेड, वाओ इट्स रियली प्रिटी, देखिए गाइस सुंदर सा लग रहा है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, ये भी पिंक पे ही है, मतलब क्या बोलेंगे इसे, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सिमिलर है इससे, लेकिन नहीं ये रेडिश पे जाता है, थोड़ा रेडिश पिंक बोल सकते हैं इसको। तो मैं आपको भी अप्लाई करके भी दिखा दूंगी, ओके। तो इसका नाम है ट्विलाइट, 10 नंबर है, ओके। इसके बाद है आज की लास्ट लिपस्टिक, जिसका नाम है, मतलब शेड नंबर है, टू द मून एंड बैक ट्वेल्व, अच्छा है। तो ओ वाओ दिस इज अ ब्राउन कलर, तो ब्राउन लवर्स के लिए दिस इज अ वेरी नाइस कलर,
तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ब्राउनिश शेड है। तो ये टोटल 5 शेड है मेरे पास, काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और थोड़े बहुत इस मतलब ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफरेबल तो है बट हाँ फिर भी स्टे करते हैं और काफ़ी टाइम तक लिप्स पे लगे रहते हैं। देखो आप देख ही लो, मैंने आपको दिखा भी दिया किस टेस्ट करके, तो भी यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा है, वहाँ आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अभी वहाँ पे बहुत हैवी ऑफर्स चल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक करके एटलीस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपको 399 की जगह पर बहुत ही रीजनेबल रेट पर पड़ जाए, मतलब प्राइस पर, ठीक है। चलिए अब आप ये लिपस्टिक स्वैच एंजॉय कर लो और उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी टिंग टोंग कर देना सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अमेजिंग सा अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए ऐसे करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शॉपिंग भी करते रहिए, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बाय बाय। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस शेड का नाम है टू द मून एंड बैक 12, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर है, ये न्यूट शेड है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है बीकेशन 8 जो कि डार्क पर्पल शेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगने के बाद पार्टी वेयर काइंड ऑफ शेड लगता है और बहुत ही खूबसूरत शेड है। इस तरह के जो शेड्स होते हैं ना वो पार्टी में या फिर फेस्टिवल्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी पिंक साड़ी के साथ या ब्लैक आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी कलर है, हाईली हाईली रेकमेंडेड है। जिन लोगों को डार्क कलर्स पसंद है ना उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि ये जो लिप कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है और अगर आप इसको साफ़ करोगे तो बहुत ईजीली ये साफ़ हो जाएगा, एकदम से क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसके बाद जो मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ दैट इज़ वाइन डेट 7, ये भी पर्पल कलर है, पर्पल यानी मॉव काइंड ऑफ शेड है लेकिन शिमरी शेड कह सकते हैं इसे, थोड़ा सा शिमरी पे जाता है तो ये इसे पार्टी वेयर बना देता है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, मॉइस्चराइजिंग भी है और लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़े से ट्रांसफरेबल हैं बट लॉन्ग लास्टिंग है। इसके बाद है आज का लास्ट शेड जो कि है ट्वीलाइट 10, बहुत ही सुंदर सा रेड और पिंक का मिक्सचर है ये, आप इसके लिए आप मतलब आप इसे ले सकते हो, आप किसी भी आउटफिट पे इसे वेयर कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का लिपस्टिक कलेक्शन, अगर पसंद आया है ना तो लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट करके बाय ज़रूर कर लीजिएगा, बाय बाय।